बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मुझे एक छोटी सी स्टोरी, एक कैंसर पेशेंट है हमारे ऑफिस में, और जो अभी पिछले दिनों में काफ़ी सेशन में वो मुख्तलिफ जगह इस पर मैं बताता रहा हूँ, तो वो आप लोगों से शेयर करनी थी कि हमारा टी बॉय अनफॉर्चुनेटली उसको जो है एक नॉर्मल माउथ में जो है इन्फेक्शन और इसकी प्रॉब्लम के टेस्ट के दौरान जो डॉक्टर हैज़ डिक्लेयर्ड हिम कैंसर। अच्छा, कैंसर नॉर्मली ये तो हमारे काम लोगों का फैम जबान में ये इस्तेमाल करते हैं लफ, एक्चुअली मेडिकल टर्म में इसको कार्सिनोमा कहते हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि वो सारी रिपोर्टें लेके मेरे पास आया और वो मैंने देखा और उसमें कोई ऐसा डाउट वाली बात भी नहीं थी, तो मैंने उससे दो तीन सवाल किए कि अल्ताफ तुम्हारे इस जो अब है ये जो कुछ भी आपको बताया, क्या इसके बारे में आपके घर वालों को सबको कहते हैं? जी सर, मेरे घर वालों को भी पता है और मुझे भी इसके बारे में पता है। मैंने कहा देखो भाई, मैं दो एक छोटी छोटी सी चीज़ें एक अपने नाकिस इल्म की बदौलत तुमसे शेयर करूँगा। नंबर एक तो ये कि सेल्फ पिटी का और किसी लोगों से हमदर्दी का एक जो है एलिमेंट ना हो, और हर किसी को ये स्पेशली गूफ एंड द कावर्ड पीपल, जो एक कम हिम्मत लोग हैं, जो बुज़दिल लोग हैं, उनको तो ये बात बताना नहीं, वो वैसे आधी हिम्मत तुम्हारी तोड़ देंगे कि जी आसमान नीचे आएगा, ज़मीन ऊपर चली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे भाई, आपको जो आपकी पूरी ये अंदर एक सुप्रीम पावर जो अल्लाह ताला ने दी है नर्व, उसके साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तीसरी बात ये कि देखो भाई, अल्लाह ताला उन्हीं को मुश्किल, परेशानी, मसाइब और ये तमाम चीज़ें देते हैं कि जो बंदा इस चीज़ को सह सकता है। तो शायद अल्लाह ताला के तुम इस तरह के एक आजमाइश में अल्लाह ताला ने तुम्हें डाला और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तुम इससे ज़रूर निकलोगे। खैर जी, किस्सा मुख्तसर। अच्छा, एक ये चीज़ जहन में रहे कि ये हमारा कोई रेगुलर एम्प्लॉई नहीं था कि जिसको मेडिकल फैसिलिटी हूँ। हमने अपने तौर से, मैं चूँकि एक NGO से, लायंस क्लब इंटरनेशनल से एसोसिएट हूँ, तो वहाँ इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो असिस्टेंट है, जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, नईम का, वो मेरे पास आया कि सर इसके लिए कुछ करना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करना है। मैंने कहा बिल्कुल एक छोटा सा सिंपल सा एक इसकी एक स्टोरी ज़रा सी बताओ, 5-7 लाइनों में बनाओ कि भाई अल्ताफ हमारा जो है इस तरीके से जो है अनफॉर्चुनेटली उसको वो डॉक्टर ने वो किया, एंड वी डेस्परेटली नीड सम अमाउंट असिस्टेंस, जो भी एक इतरा ज़कात जो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, बताने का मेरा सिर्फ मकसद ये कि दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं है और इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि फिर वो कुर्ब क़यामत की निशानी, अल्लाह ने अपने बंदों से काम लेना है, चलाना है, गॉड एंड बंदों के नीचे नेचर का जो एक पार्टनरशिप है वो दुनिया में हर जगह चला आ रहा है और चलता आ रहेगा। जैसे अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हें बीज दी, मैंने ज़मीन दी, ज़मीन में बीज को बोना, उसको प्लांट को लगाना, उसकी टेक केयर करना आपका काम है, उसमें जो है उसमें फल या फूल लगाना, उसको नरिशमेंट करना, उसको एक प्लांट को पूरा बड़ा एक ट्री बनाना, ये अल्लाह ताला का काम। तो मैंने उसको नईम से कहा, मैं नईम ने जो है उसको चीज़ को सर्कुलेट किया। आप यकीन करें, विद द शॉर्टेस्ट टाइम, आई थिंक इन ए वीक, बड़ा एक अच्छा हमारा एम्पल अमाउंट हमारा जो है इकट्ठा हो गया। और ये लास्ट जो हमारा रमज़ान शरीफ है उसकी ये बात है। इत्तेफाक से सारा कुछ चीज़ें एक बेहतर होती रहीं, रमज़ान शरीफ और ये सारा आपको पता है लोगों के अंदर ही जज्बे, और इतना मुकद्दस महीना अल्लाह ताला का। सर ये हुआ कि उसका फिर माशाल्लाह इलाज उसका शुरू हुआ, एक सर्जरी, दूसरी, तीसरी कर करके फिर रेडिएशन और उसका जो कीमोथेरेपी और फिर जो उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है, जो उसको क्योंकि एक उसका लिप बिल्कुल जो था वहाँ पर एम्पुटेड हो गया था, उसको फिर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से बनाया, चिक का एक पार्ट बिल्कुल वो हो गया था, उस चिक को उन्होंने बनाया। तो रिसेंटली ये हुआ है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, लोगों की सबके ताउन से, वो बिल्कुल एक ज़ीरो पॉइंट उसके अंदर से जो है वो तमाम जो कार्सिनोमिक जो जर्म्स जो सारी चीज़ें, इज़ ए फिट फाइन पर्सन। अच्छा, इसका यही था कि लोगों में जज्बा है, लोगों में चैरिटी का है, ख़ास तौर से जिस शहर से मेरा ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी जिस तरह हीट वेव्स और ये सारी चीज़ें आई हैं, स्टूडेंट और सारे लोग जो है इस चीज़ को वो कर रहे हैं। जो पॉइंट्स की जो चीज़ जिसने मुझे मुतासिर किया और सारा कुछ वो था, वो उस बंदे की एक्चुअली स्टोरी, ही इज़ द हीरो। आप बिलीव करें कि इतनी स्ट्रॉन्ग विल और इतनी स्ट्रॉन्ग जो है जिस तरीके से उसने इस चीज़ को डिफीट की दिया है, और जब भी वो हमसे मिलता था, हम उसको फील, हम कहते थे चलो मिलने भी जाते थे, अल्ताफ के बहुत दिन हो गए यार, आओ तुम्हें देखे हुए हो गए, तो ही वॉज ऑलवेज पॉजिटिव।
अल्ताफ़ कैसी तबीयत है? अलहमदिल्ला सर अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों का ताउन भी, इस तरह का खैर हमारा क्या ताउन, अल्लाह ने हमें एक ज़रिया वो करके। देखिए ये पॉजिटिविटी इंसान को इतनी ख़तरनाक बीमारी, ख़ास तौर से मैं यंग जनरेशन को अपने खुदा के वास्ते ये एक लेसन में दे रहा हूँ कि किस तरीके से उस शख्स ने डिफ़ीट किया इस चीज़ को, कि सिर्फ उसकी एक स्ट्रॉन्ग विल थी, इनर उसकी पावर थी और एकदम बिल्कुल अल्लाह ताला पे एक फर्म बिलीव था कि अल्लाह मालिक, और यही बात वो खुद भी कहता था कि अल्लाह तबारक ताला ने जो मुझे ये बीमारी दी है इंशाल्लाह वही इसकी शिफा देगा और वही जो है इसको क्योर करेगा और मैं तो इसे लड़ूंगा। और यकीन करें उसने लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज बताते हुए बड़ी खुशी है कि वो भी एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो आप सब हजरात से मेरी यही गुजारिश है जो अपनी स्टोरी के एंड में मैं ये कहता हूँ कि बी पॉजिटिव, बी होपफुल एंड फर्म बिलीव विद अल्लाह अलमाइटी के अल्लाह ने जब ये तकलीफ़ एक छोटी बड़ी जिस तरह की भी दी है वो उसमें कोई इसकी बेहतरी है इंशाल्लाह ताला वो आपकी तकलीफ़ को दूर करेगा। बस आप पॉजिटिव अपने तौर से रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।